नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र सरकार को कोरोना फोबिया इस तरह जकड़े हुए है कि सुशांत सिंह मामले में जांच करने मुंबई पहुंची सीबीआई टीम को भी सबसे पहले टेस्ट की प्रक्रिया से ही संभवतः गुजरना होगा। यह एक चाल है या सवाल, कहना कठिन है। सूबे के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की तारीफ सुशांत सिंह मामले में सभी मुक्तकंठ से कर रहे हैं। वजह साफ है कि उन्होंने बिहार पुलिस की टीम का जिस तरह मनोबल बढ़ाया वह प्रशंसनीय है। उन्होंने हमेशा इस मामले की निष्पक्ष जांच और परिवार के न्याय की बात की है। अगले महीने बिहार विधानसभा चुनाव के तिथियों की संभावित ऐलान को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनहित के कामों के साथ लंबित योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सड़कों की मरम्मति का काम अभियंता करेंगे। इन दिनों बिहार के नेताओं को सोते जागते दलित महादलितों की चिंता अनायास सताने लगी है। तभी तो दलित कार्ड भी खेला जा रहा है। राजद ने एनडीए पर दलितों की उपेक्षा का आरोप मढ़ा तो जदयू ने दलितों को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की चुनौती राजद को दी है। कोरोना इलाज में कोताही नहीं बरतने के बाद के साथ ही जुड़ा रहा निजी अस्पतालों के द्वारा अधिक रकम वसूली का मामला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब निजी अस्पतालों के लिए कोरोना इलाज की दर तालिका निर्धारित कर दी गई है, जिसे डिस्प्ले बोर्ड पर लगाने की बाध्यता होगी। रोज इलाज के नाम पर केवल 18,000 रुपये लिए जा सकते हैं। आज हरी तालिका तीज व्रत को लेकर बाजार में चहल पहल देखी गई। सुहागिन महिलाओं के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। चूंकि यह व्रत नियम और निष्ठा के साथ निर्जला होता है, इसलिए मौसम का बेहतर होना व्रतियों के लिए देव कृपा समान है। आकाश में बादल छाए रहेंगे तथा पटना समेत कई इलाकों में तेज से लेकर मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इससे बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लोग परेशान हो उठे हैं, तो वहीं कम बारिश वाले क्षेत्रों के लिए किसान रोपाई को लेकर खुश हैं। गंगा नदी में यूं तो उफान है, लेकिन गांधी सेतु के मरम्मति का काम भी लगातार जारी है। अब सेतु के पूर्वी लेन का जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया गया है। वाहनों के परिचालन भी रोक दिया गया है। सभी वाहन पश्चिमी लेन से आ जा रहे हैं। इन दिनों राजधानी पटना में पुलिस सुस्त और अपराधी चुस्त हो गए हैं। चोरी की घटनाओं के चलते आम नागरिक दहशत में हैं। दिग्घा, सिटी तथा अन्य क्षेत्रों में पुलिस गश्ती तेज करने की जरूरत है। दिग्घा थाना क्षेत्र की घटना के बाद अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। एक सप्ताह से अधिक समय पहले ही उन्हें सेना अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। उनके शीघ्र निरोगी होने की कामना की गई है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।